हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग नॉलेज विद शैलेंद्र। तो आज हम लोग अपने जेआईबी के अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स के मॉड्यूल ए का चैप्टर 8 कवर करेंगे, जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें जान लेना आवश्यक है कि बिल ऑफ एक्सचेंज आखिर होता क्या है। ठीक है, तो जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये होता क्या है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि बिल का एक्सचेंज करना। अब बिल का एक्सचेंज मीन्स क्या हो गया, जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लिया हम लोग कहाँ जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं मान लिया। ठीक है, हमने वहां पे क्या किया, मान लिया हम स्टेशनरी की शॉप पे गए। ठीक है, वहां पे क्या होता है, मान लिया हमने कुछ सामान खरीदा। ठीक है, तो जो शॉपकीपर था, शॉपकीपर क्या करेगा, हमें शॉपकीपर हमें मान लिया बिल देगा। क्या देगा, बिल देगा, मान लिया 500 रुपए का दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे 500 रुपये पे कर देंगे और हम चले आएंगे। तो यहां पर जो शॉपकीपर ने जो हमें दिया वो क्या हो गया, जो बिल देता है, जिसे हम बोलते हैं ना, कहीं भी जाते हैं किसी भी दुकान पे, क्या बोलते हैं, हमें बिल चाहिए। तो अब यहाँ पर ये तो हो गया एक छोटे स्तर पे। ठीक है, बट जब हम अपनी बैंकिंग को, मतलब जब कोई कंपनी डील करती है, तो वहां पर भी ये बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आता है। तो वहां पर छोटे मोटे अमाउंट होती नहीं, वहां पर क्या होता है, बड़ी बड़ी अमाउंट में डील होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे हमने क्या किया, जब हमें छोटा मोटा सामान लेना था तो ये हो गया। ठीक है, बट अगर मान लिया कोई कंपनी ए है, कोई कंपनी क्या है, कंपनी ए है, और यहां पे कंपनी क्या है, बी है। अब कंपनी ए ने क्या किया, मान लिया कंपनी ए ने क्या है, कुछ सामान बाय किया। ठीक है, लेट्स से कितने का किया, मान लिया रुपीज 5 करोड़ का किया। ठीक है, अब किसने, किससे लिया, कंपनी बी से लिया। अब ये कंपनी क्या करेगा, इस सामान को अब क्या करेगा, इसको मार्केट में बेचेगा, क्या करेगा, मार्केट में सेल करेगा। जब मार्केट में सेल करेगा और जब यहां से उसको पैसा आएगा, ठीक है, जब यहां मार्केट में उसने सेल किया, तो यहां से क्या होगा, उसके पास जब पैसा आएगा, मनी आएगी, ठीक है, तब वो क्या बोलते हैं, कंपनी बी को देगा। ठीक है, क्योंकि अब 5 करोड़ है या इससे बड़ी बड़ी अमाउंट होती है, अब इतना कैश तो रहता नहीं किसी के पास। ठीक है, तो क्या करते हैं, फिर लोग क्या, उधार पे, जिसको बोलते हैं उधारी, उधार पे चलते हैं। ठीक है, इसे अगर हम लोग अपने बैंकिंग की भाषा में देखें तो उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट। ठीक है, तो ये यहां से हम लोग का बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफिनेशन आता है। ठीक है, अब हमें एक चीज क्या ध्यान रखना है, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो वैसे ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमें तीन चीजें, मतलब मेनली दो चीज पढ़नी है, एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा हमें पढ़ना है क्या, प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो इसका नाम है उसी बेस पे चलना है, उसी से हम लोग सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या बताया कि यहां पर क्या है, एक एक मान लिया कोई भी एक कंपनी या किसी ने भी किसी दूसरी कंपनी से सामान खरीदा, तो वहां पर क्या है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को जो बिल देगी, उसी से बिल ऑफ एक्सचेंज बना। अब ठीक है, अब एक चीज देखो, ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं इसमें।
जैसे ए कंपनी है और कंपनी क्या बी है, सामान किसके पास है, कंपनी ए ने खरीदा है, ठीक है, ए क्या किया है, ए ने बाई किया है, किससे किया है, ए बाई कितने किससे, बी से, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखो, सामान किसने खरीदा है, ए ने खरीदा है, किससे खरीदा है, बी से खरीदा है। अब तो यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज कौन देगा, बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाएगा, जैसे हम लोग दुकान पे जाते हैं जब सामान खरीदते हैं तो जिससे सामान खरीदते हैं वो क्या देता है, वो बिल देता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये जो कंपनी बी है ये क्या करेगा, एक बिल ऑफ एक्सचेंज देगा इनको, ठीक है। मान लिया जैसे 5 करोड़ का सामान खरीदा, तो जो ए है इन्होंने क्या बोला, मान लिया इन्होंने बोल दिया कि भाई ये हमारा जो सामान है ये हम 2 महीने में सेल कर देंगे, तो ऐसा आपको 3 महीने में हम ये पैसा दे देंगे, कितने, 3 मंथ में दे देंगे, ठीक है। तो अब यहां पर जो कंपनी बी क्या है, एक एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगी, जैसे ये मान लिया, ठीक है, यहां पर वो सारी टर्म कंडीशन लिखेगी। अब बनाया यहां पर किसने, कंपनी बी ने बनाया, किसने बनाया, तो अब देखो ये किसने बनाया, बी ने बनाया, तो यहां से हमारा डिफिनेशन में बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टी, अब यहां पर देख कौन हुआ, जिसने बनाया। देखो ड्रा मतलब क्या होता है, बनाना, ठीक है, किसने बनाया, बी ने बनाया, तो हम लोग सिंपल है ड्रा में आगे ई आर जोड़ देंगे, ये ड्रायर हो गया, ठीक है। अब ड्रायर, ड्रायर यहां पर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए बनाया, ये ए के लिए बनाया, ठीक है, तो ए यहां पे क्या हो जाएगा, ड्राई, जिसके लिए बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसमें लास्ट में ई जोड़ देते हैं, तो ड्राई हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो चल रहा है, ए ने जो है बी से खरीदा, अब मान लिया जैसे बी है, ठीक है, यहां पर हमारे कौन है, बी है, मान लिया इस बी ने किससे खरीद, मान लिया इस बी को जो है सी को पेमेंट देना हुआ, तो अब ये क्या करेगा, अगर बी बी को मान लो सी को पेमेंट करना है, तो डायरेक्ट ए को क्या बोल देगा कि भाई ऐसा करना, 2 मंथ बाद किसको पेमेंट दे देना, आप सी को दे देना, ठीक है। तो यहां सी कौन हो जाएगा, अब देखो पेमेंट किसको होना है, सी को ना, तो पी ए वाई पे हो गया, आगे डबल ई जोड़ दो, पेई, तो पेई कौन हो गया, सी हो गया। तो इस चीज समय ये पूरे कॉन्सेप्ट समय एक क्या क्या समझ में आया, कि जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है, इसमें कितने, 3 पार्टी हो सकती हैं, कितनी हो सकती है, 3 पार्टी, 3 में कौन हो गया, जिसने बिल को ड्रा किया, ठीक है, तो डी आर ए डब्ल्यू लिखेंगे ड्रा, अब सिंपल है जो, आगे ई आर जोड़ देंगे, ठीक है, जो बनाता है, तो ये क्या है, जिसने बनाया, तो बिल जिसने बनाया, हमें ये याद रखना है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जिसके लिए बनाया, जिसके पास जाएगा, बिल किसके पास जा रहा है, बिल क्या है, ड्राई का मतलब क्या, बिल जिसके पास जा रहा है, और सी इसमें पेमेंट, तो पेमेंट किसको हो रहा है, तो जिसको हो रहा है पे ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जो बनाता है उसमें ई आर जोड़ देंगे, और जिसके पास वो जा रहा है पर्टिकुलर चीज, उसमें ई रहेगा, ठीक है। ये हमें 3 चीजें ध्यान रखनी है, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे आते हैं, कंफ्यूज रहता है, हम लोग क्या जब इस चीज को पढ़ते हैं तब तो हमें इजी लगता है कि डायरी हो गया, ड्राई हो गया, पे हो गया, बट जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमारा कंफ्यूजन इसी में आ जाता है कि ड्रायर मतलब का क्या हुआ, ड्राई मतलब क्या हुआ, पे मतलब क्या हुआ, और किस में क्या आएगा। तो एक सिंपल चीज है, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 चीजें, ड्रायर, ड्राई, पे, ठीक है। ड्रायर मैंने एक सिंपल चीज बताया, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ड्रा किया जाता है, तो जो जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है वो क्या होगा, ड्रायर होगा।
जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके पास गया है वो ड्राई हो जाएगा, और पे मतलब पेमेंट। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, मान लिया बी ने बनाया, किसने बनाया था यहां पर, बी ने बनाया था किसके लिए, ए के लिए। अब एक चीज बताओ, ये भी हो सकता है ना कि 2 महीने बाद इसने सी को बोला पेमेंट के लिए, बट हो सकता है इसे किसी को पैसा ना देना हो, तो क्या बी क्या बोलेगा, भाई 2 महीने बाद आप मुझे ही पेमेंट कर देना। मीन्स क्या हुआ यहां पर, ड्रायर एंड पेई इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती है, ड्रायर ड्राई पेई। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जैसे जैसे हम अपनी स्लाइड्स कवर करेंगे आप लोग के डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें आते हैं, क्या लिखा है, द मेन जर्नल इज सब डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ जर्नल्स। ठीक है, मतलब कि जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं जर्नल क्या होता है, वो क्या है, कई पार्टों में डिवाइड होता है, जिसमें बिल रिसीवेबल्स होता है और बिल पेबल्स होता है। आपको इस पूरे पूरे टॉपिक में जो वर्ड लिखा है आपको बस उसी पे ध्यान रखना है, उसी से आपकी सारी डिफिनेशन बनती जाएंगी। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, बिल रिसीवेबल्स मतलब क्या हो गया, बिल को जो रिसीव करेगा। ठीक है, मतलब बिल्स क्या है, बिल रिसीवेबल जो बिल को रिसीव करेगा, बिल्स पेबल बिल जो पे करना है। ठीक है, तो अगर हमें फ्यूचर में किसी बिल का पैसा आना है तो बिल रिसीवेबल्स हो गया, अगर हमें फ्यूचर में किसी बिल का पेमेंट करना है तो बिल पेबल्स हो गया। ठीक है, इन ए बिजनेस क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जैसा मैंने बताया क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो हम लोग लोन देते हैं या फिर जो कंपनी उधार पे काम करती है, ठीक है, वो हम लोग लेमैन की भाषा में उधार बोलते हैं, बट वहां पर क्रेडिट वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, इन ए बिजनेस क्रेडिट ट्रांजेक्शन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ए मैन्युफैक्चर परचेज रॉ मटेरियल्स द मेजोरिटी ऑफ विच विल बी ऑन क्रेडिट। ठीक है, मतलब जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो वो मेजोरिटी क्या होता है, क्रेडिट पे होता है, इसीलिए हम लोग क्या बैंकों में सीसी भी देते हैं, जिससे कि वो रॉ मटेरियल खरीद के अब उसका प्रोडक्शन कर सके और उसका उससे जो पेमेंट आएगा उससे फ्यूचर में अपना बिजनेस बढ़ा सके। ठीक है, वंस द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड दीज विल बी सोल्ड टू होलसेलर एंड रिटेलर्स, हेयर ऑल्सो द मैन्युफैक्चर विल गिव क्रेडिट टू हिज होलसेलर आर रेगुलर कस्टमर। ठीक है, दस क्रेडिट पासेज ऑन फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू होलसेलर एंड फ्रॉम होलसेलर टू रिटेलर एंड फ्रॉम रिटेलर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो सारी चीजें वो क्रेडिट पे काम करती हैं, जैसे क्या बोलते हैं, पहले कोई भी सामान है, पहले वो मैन्युफैक्चर होगा तो मैन्युफैक्चर क्या करेगा, उसको होलसेलर को देगा, किस पे, क्रेडिट बेस पे देगा, फिर होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर को देगा, रिटेलर क्या करेगा, अल्टीमेट कंज्यूमर को देगा। ठीक है, अब क्रेडिट में ऑल्सो भी ग्रांटेड बाय मनी लेंडर्स। ठीक है, ए बैंकर आर ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो क्रेडिट क्या हम लोग भी देते हैं, मनी लेंडर भी देते हैं, बैंकर भी देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी लोन देते हैं, उसी को क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट इज जनरली प्रोवाइडेड बाई ऑब्टेनिंग ए रिटन डॉक्यूमेंट कॉल्ड, क्या कहलाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। देखो क्रेडिट उसका जो मतलब जो पेपर होगा वो इंस्ट्रूमेंट्स कहलाएगा, तो क्रेडिट जनरली प्रोवाइडेड बाई ऑब्टेनिंग ए रिटन डॉक्यूमेंट, जिस रिटन डॉक्यूमेंट बेस पे हम क्रेडिट देते हैं किसी को, उसी को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। दिस सर्व एज ए प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ क्रेडिट, ये क्या है, क्रेडिट का प्रूफ रहता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट आर बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में मैंने आपको काफी कुछ वैसे डिस्कस कर लिया था शुरू में, बाकी हम अपनी स्लाइड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज, क्या क्या लिखा हुआ है, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। अब देखिए मैंने आपको शुरू में बताया कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज बताया था, ठीक है, जैसे मान लिया उसका ड्रा करते हैं, जैसे मैंने क्या बताया बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये बी जो है बनाता है, मान लिया, ठीक है, ए ने मान लिया सामान बी से खरीदा तो यहां पर बी बनाएगा, तो सिंपल ये क्या है, रिटर्न में, तो ये क्या लिखा है, पहला एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, मतलब कि जब तक कोई चीज राइटिंग में नहीं होगा वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कहलाएगा, साइंड बाई मेकर। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, जैसे आप लोग ध्यान रखिए, जब हम लोग मतलब ध्यान पे, जब हम लोग दुकान पे सामान लेने जाते हैं, जो बिल देता है तो क्या करता है, यहाँ पे जो दुकानदार होता है, शॉपकीपर होता है, जो भी हो, वो यहाँ पे अपना साइन करता है। ठीक है,
तो इसीलिए क्या लिखा है, साइंड बाय द मेकर, एक सिंपल चीज है। तो हमें बिल ऑफ एक्सचेंज ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी हम बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में देखें पढ़ेंगे, आप बिल ऑफ एक्सचेंज से आप बिल पे आइएगा, जो हम लोग सिंपल दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं वहां से आप इसको कंपेयर कीजिएगा, ठीक है। बट क्या होता है, हम लोग जैसे दुकान पे सामान लेने जाते हैं वो हम लोग कम अमाउंट का लेते हैं, वहां पर हम डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वो वही बिल ऑफ एक्सचेंज इनवॉइस का रूप कहलाता है, ठीक है, वो आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज सिंपल है, क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, मतलब राइटिंग में होना चाहिए, साइंड बाय मेकर, किसके द्वारा ये होता है, मेकर के द्वारा जो बनाता है, ठीक है। इसी मेकर को क्या बोलते हैं, ध्यान रखना में, ड्रा मतलब क्या होता है, खींचना, ठीक है, कोई चीज ड्रा करना, इसी में ई आर जोड़ दो, जो ये करेगा, जो ड्राइंग करेगा वो ड्रायर कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, साइंड बाय मेकर, इसी को क्या बोलते हैं, ड्रायर बोलते हैं, ठीक है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ये क्या होता है, इसमें ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, ठीक है, इसमें कोई कंडीशंस नहीं रहती है, टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी एंड मनी ओनली, यहां पर इसमें क्या होता है, मनी का रहता है, अभी आप आगे फॉर्मेट देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। टू ए पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट और टू इज ऑर्डर टू द बियरर, इसमें क्या है, इसमें लिखा रहेगा भाई, बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने आपको बताया कि जो बी है वो ये बोल सकता है ए को कि भाई आप 2 महीने बाद आप मुझे पेमेंट करना, ठीक है, या फिर किसी थर्ड पर्सन को करना जिसको जिसको उसे देना होगा, ठीक है। अन सर्टेन फिक्सर फ्यूचर डेट आर ऑन डिमांड, देखो ये दो चीज होता है, या तो फ्यूचर डेट कोई फिक्स कर लेते हैं भाई 2-3 महीने बाद, या फिर लोग क्या बोलते हैं, डिमांड बेसिस पे, ठीक है। और ये जो है सेक्शन 5 ऑफ द एनआई एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत ये आया आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो हमने आपको बताया था बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन सी 3 पार्टियां होती हैं, कितनी पार्टियां होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में, 3 पार्टियां होती, कौन कौन सी होती है, एक ड्रायर होता है, एक ड्राई होता है, तीसरा पेई होता है। ड्रायर मैंने आपको बताया, ड्रा जिसने ड्रा किया उसके आगे ईआर, तो जो ड्रा करता है वो उसमें क्या हम लोग सिंपल ईआर लगा देते हैं, ड्रायर हो जाता है। तो ड्रायर मतलब क्या, ए पर्सन हु ड्राज द बिल, बिल कौन ड्रा करेगा, सिंपल है, बिल ऑफ एक्सचेंज है तो यहाँ पर जिसने सामान बेचा है, ठीक है, जिसने बेचा है, जिसके पास है सामान गया वो बिल ड्रा करेगा, ठीक है। अब ड्राई, ए पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, मतलब कि जिसको वो बिल देगा वो ड्राई कहलाएगा, और जिसके पास मनी आएगी फ्यूचर में वो मे बी ड्रायर के पास भी आ सकती है, किसी थर्ड पर्सन के पास जा सकती है, उसे हम लोग पेई बोलते हैं, ठीक है। मैनी टाइम्स ड्रायर एंड द पेई मे बी द सेम पर्सन, ठीक है, कई बार ये दोनों सेम होते हैं, कभी कभी अलग हो सकते हैं। अब ये हमारा एक सिंपल छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक न्यूमेरिकल टाइप का है, इसमें क्या लिखा, लेट सपोज ए सेल्स गुड्स टू बी, मतलब देखो ए ने किसको सामान बेचा, बी को बेचा, ठीक है, मतलब कि सामान किसने खरीदा, बी ने खरीदा, अब किसने बेचा, ए ने बेचा है, ठीक है। अगर ए ने बेचा है तो यहां पर बिल कौन बनाएगा, ए बनाएगा, तो ड्रायर ऑफ द बिल कौन होगा, ए होगा, ठीक है, ए ड्राज ए बिल, सिंपल है, जिसने ड्रॉ किया तो ए होगा, ठीक है। अब बी एक्सेप्ट द सेम, तो ड्राई क्या हो गया, ड्राई ऑफ द बिल कौन हो जाएगा, किसने एक्सेप्ट किया, बी ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। इन द अबव केस ए सेलर ड्राज ए बिल ऑन द बी, द परचेजर डेप्टर एंड पेबल टू ए, ठीक है। अब यहां पर अमाउंट कितना है, कितने का बिल ड्रा किया, 10,000 का किया। अब एक चीज और ध्यान रखिए, जो देखो अब यहां से आपको क्या क्या समझ में है, जो ड्रायर हो गया, ठीक है, ड्रायर क्या हो गया, ड्रायर जिसने सामान बेचा, तो ड्रायर को हम लोग सेलर भी बोलते हैं, यहां पे सेलर को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब ड्राई ऑफ द बिल कौन होगा, बायर होगा, बायर क्या होगा, डेप्टर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है, आपको बस ध्यान रखना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा जो बना जिसने सामान बेचा है वो बनाएगा, ठीक है। तो अब आगे, अब देखो एक चीज में और ध्यान रखना है, हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे मान लिया भाई ए है, ठीक है, ए ने एक बिल बनाया, तो सिंपल है, यहां पर पैसा किसको देना है, बी को देना है, तो जब तक बी एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई चीज तब तक कैसे वो माना जाएगा। एक सिंपल चीज है, जैसे मान लिया अगर इसमें बी के एक्सेप्टेंस की बात ना हो, ठीक है, तो मान लिया ए है वो कितने का भी बिल बना सकता है, पता लगा बी ने सामान खरीदा है केवल 10,000 का,
बट ए ने कितने 1 लाख का बिल बना दिया, तो क्या होगा, तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज होगा उसमें जो जिसको देना है फ्यूचर में पेमेंट उसका एक्सेप्ट करना जरूरी है। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनेगा, तब तक वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कहलाएगा। कोई भी चीज बिल ऑफ एक्सचेंज तभी कहलाएगी जब किसी ने बनाया, मान लिया ए ने बनाया, ड्रायर ने बनाया, और जब तक ड्रायर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस की बात नहीं आएगी तो ड्रायर कितने का एक बिल बना सकता है, इसलिए बी का एक्सेप्टेंस जरूरी है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, कि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में एक्सेप्टेंस जरूरी है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। या ये देखिए, ये हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट है। जैसे मान लिया ड्रायर ऑफ द बिल मिस्टर सुरेश है, जिनका एड्रेस ये दिया है। ड्राई ऑफ द बिल कौन है, मिस्टर मेहता है। अमाउंट 10,000 का। डेट ऑफ द बिल 10 मार्च 2022 एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 15 मार्च 2022। पीरियड कितने दिन का है, पीरियड मान लिया 2 महीने का है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, तो एक सिंपल चीज है, कोई भी चीज होगा, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज होगा या फिर प्रॉमिसरी नोट, आगे हम पढ़ेंगे, ये सारी चीजें स्टाम्प होना जरूरी है। जब तक ये स्टाम्प नहीं होंगी तब तक भी ये क्या बोलते हैं, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का रूप नहीं लेंगी, ठीक है। तो पहली चीज क्या, इनका स्टाम्प होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, ये किसका एड्रेस है। अब आप अगर आप ध्यान रखिए, जब कोई बिल आप देखते होंगे, जब आप किसी दुकान पे जाते होंगे तो यहाँ पे ऊपर उसका एड्रेस लिखा होता होगा दुकान पे जिसका बिल है। तो देखिए यहाँ पर मिस्टर सुरेश का एड्रेस लिखा है। अब मिस्टर सुरेश ने चूंकि ये बिल बनाया है तो इनका सिग्नेचर यहाँ होगा। आपको ध्यान रखना चाहिए कोई भी जो बिल होता है उसमें साइन होते हैं यहाँ पे दुकानदार के, ठीक है। अब इन्होंने क्या बिल बनाया कि 2 मंथ आफ्टर डेट, ठीक है, पे मी और माई ऑर्डर, मुझे पे करना है या अगर मैं किसी को बोलूंगा उसे पे करना है। कितना पे करना, ए सम ऑफ ₹10,000 ओनली, ठीक है। कितने का, 10,000 की वैल्यू का आपको पे करना है। किसको पे करना है, आप देखिए यहाँ पे ये जिसको पे करना है उसकी डिटेल लिखी, ₹10,000 टू मेहता, मिस्टर मेहता को पे करना है। अब ये यहाँ से इन्होंने क्या, ये 10 मार्च 2022 को जो है सुरेश मिस्टर जो थे, मिस्टर सुरेश ने ये बिल बनाया, ठीक है। अब मिस्टर सुरेश ने ये बिल किसके पास भेजा, मेहता जी के पास भेजा कि भाई ये जो आपने सामान के लिए बोला ये मैं बिल भेज रहा हूँ, इसको आप एक्सेप्ट करिए। तो मेहता जी के पास मान लिया पहुंचा 15 तारीख को, 5 दिन बाद। तो मेहता जी ने यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लिया, और जिस दिन ये एक्सेप्ट होगा उस दिन ये बिल ऑफ एक्सचेंज का रूप लेगा, ठीक है। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा तब तक ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब आता है प्रॉमिसरी नोट। देखो एक सिंपल चीज है, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको बताया था कि वो बिल है, बिल कौन देता है, जो सामान बेचता है, प्रॉमिसरी नोट। अब एक सिंपल चीज है, अगर आप प्रॉमिसरी नोट की मीनिंग पे जाए, मतलब क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है प्रॉमिस, क्या है ये प्रॉमिस, प्रॉमिस नोट, ठीक है। देखा जाए मतलब कि किसी ने प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस कैसा होता है, यही होता है ना कि भाई मैं तो आपको 2 दिन बाद ये पैसा कन्फर्म दूंगा, जैसे लोग बोलते हैं ना प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं बोलता है कि तुम मुझे पैसा देना, वो प्रॉमिस नहीं हुआ, वो तो ऑर्डर हो गया। प्रॉमिस कौन करता है, जैसे मान लिया मैं हूं, ठीक है, मुझे मान लिया मिस्टर ए को पैसा देना है आज के 2 महीने बाद, तो मैं ये क्या प्रॉमिस करूंगा, भाई मिस्टर ए आप मुझे सामान दे दिए, 2 महीने बाद मैं आपको कन्फर्म पैसा दूंगा। तो प्रॉमिसरी नोट से समझ में आ गया आपको कि, एक सेकंड, एक खाली स्लाइड ले लेते हैं फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो यहां पर हम किस पे आते हैं, प्रॉमिसरी नोट पे। तो मैंने आपको क्या बताया, प्रॉमिसरी नोट से हमें क्या समझना है, ये प्रॉमिस है। प्रॉमिस मतलब क्या है, कि मैंने किसी से प्रॉमिस किया कि भाई मैं आपको पेमेंट करूंगा, ठीक है, मैं आपको फ्यूचर में पेमेंट कर दूंगा, कंफर्म कर दूंगा। तो एक सिंपल चीज, आपको यहां से एक चीज समझ में आया होगा कि जो प्रॉमिसरी नोट है ये कौन बनाएगा, पैसा देने वाला बनाएगा, जिसको फ्यूचर में पैसा देना है वो बनाएगा प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे, मेकर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आप एक चीज मुझे बताइए,
मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया कि आपको मैं 2 महीने बाद पैसा दूंगा, ठीक है, जहां पर एक्सेप्टेंस की जरूरत है या नहीं है आप सोचिए। एक सिंपल चीज है, अगर मैंने किसी को प्रॉमिस किया कि भाई मैं आपको 2 महीने बाद पैसा दूंगा, तो यहां पर जो है दूसरे की एक्सेप्टेंस की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि यहां पर जो पैसा दे रहा है वही प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है, जिसने पैसा दिया है वही प्रॉमिस कर रहा है, तो इसलिए क्या हो गया यहां पर, वो यहां पर एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, थर्ड पर्सन के एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं। तो यहां पर देखा जाए कितनी पार्टी हो गई, देखा जाए केवल 2 पार्टी हो गई, ठीक है, एक जिसने प्रॉमिस किया है और दूसरा क्या, जिसको पैसा मिलना है, ठीक है। यहां पर इसी प्रॉमिस को क्या बोलते हैं, मेकर बोलते हैं। इसको आप लोग और थोड़ा ध्यान रखिए, जैसे हम लोग बैंकिंग में हैं तो यहां हम लोग क्या प्रॉमिसरी नोट डीपीएन बनाते हैं, डिमांड प्रॉमिसरी नोट बनाते हैं, आपको ध्यान रखिए उसमें कौन साइन करता है, पार्टी नीचे साइन करता है कि नहीं करता है, ठीक है, यहाँ स्टाम्प रेवेन्यू टिकट लगा के यहाँ पे कौन पार्टी साइन करता है, यहाँ पर किसी किसी बैंक का तो साइन होता नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब कोई प्रॉमिस कर रहा है तो इसमें किसी दूसरे के एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो प्रॉमिसरी नोट क्या होगा, ए प्रॉमिसरी नोट इज रिटन बाय द डेप्टर, किसके द्वारा, डेप्टर के द्वारा, ठीक है। डेप्टर मतलब क्या होगा, जिसने लोन लिया है, या फिर मान लिया किसी ने सामान खरीदा है, तो बायर के केस में प्रॉमिसिंग क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है द क्रेडिटर, किसको, चाहे क्रेडिटर को या सेलर को, टू पे स्पेसिफाइड सम आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। दस इट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, सिंपल है, कोई भी चीज बैंक में या मतलब बिजनेस में कोई भी चीज बिना राइटिंग के नहीं होती, ओरल कोई काम नहीं होता, सब कुछ राइटिंग में होता है, तो सिंपल है, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, साइंड बाय मेकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि एक सिंपल है, साइन कौन कर रहा है, इसे मेकर साइन कर रहा है, क्या कि मैं आपको फ्यूचर में इतनी मनी पे करूंगा, टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये सेक्शन 4 के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, ये सेक्शन 4 के अंतर्गत आता है, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट हमारा। तब देखिए प्रॉमिसरी नोट सिंपल मैंने आपको बताया, इसमें 2 पार्टी होंगी, क्योंकि इसमें किसी के एक्सेप्टेंस की जरूरत तो है नहीं, तो या तो मेकर होगा एक और दूसरा कौन होगा, पेई होगा, ठीक है। तो ए पर्सन हु मेक्स द नोट एंड प्रॉमिस टू मेक द पेमेंट, जो नोट बना रहा है कि प्रॉमिस कर रहा है, क्योंकि जो प्रॉमिस कर रहा है वही बनाएगा, ठीक है। अब जैसे वहां पर मैंने पुराना एग्जाम्पल में देखा कि किसने बनाया था, सुरेश ने बनाया मिस्टर मेहता के लिए, ठीक है। अब यहां पर चाहे सुरेश बिल ऑफ एक्सचेंज भेज देते वो बिल ऑफ एक्सचेंज, बट चाहते तो मेहता भी क्या करते, एक सिंपल बना के कि 2 मंथ आफ्टर डेट आई प्रॉमिस, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ टू पे मिस्टर सुरेश और हिज ऑर्डर, मिस्टर सुरेश को या उनके ऑर्डर पर किसी को भी मैं 10,000 रुपीज पे कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर कौन साइन करेगा, मिस्टर मेहता करेंगे, क्योंकि मेहता जी बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में डिफरेंस हम देखते हैं, पहला क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है, इट इज अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे है, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या करते हैं, पे करना है, उसमें बोलते नहीं, उसमें जो सेलर होता है वो बोलता है सामने वाली पार्टी जिसने बाई किया है कि भाई आप फ्यूचर में मुझे पे करना, तो कौन सा है, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे है, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट नाम से पता चला प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिस किस चीज का होगा, भाई फ्यूचर में मैं आपको पे करूंगा, ठीक है। अब यहां पर सिंपल है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है किसके द्वारा बनाया जाता है, हमेशा दुकानदार के द्वारा बनाया जाता है, मतलब सेलर के द्वारा बनाया जाएगा, या फिर जो क्रेडिटर है उसके द्वारा बनाया जाएगा, सिंपल है, जो प्रॉमिस पे करता है मतलब या तो बायर या तो डेप्टर, ठीक है। एक्सेप्टेंस बाई डेप्टर इज नेसेसरी, क्योंकि सिंपल है, अगर कोई के हम किसी को ऑर्डर देंगे कि भाई आपको फ्यूचर में काम करना है, तो जिसको ऑर्डर देंगे उसका एक्सेप्टेंस जरूरी है, बट अगर हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं तो प्रॉमिस करने के केस में सामने वाले की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपकी 3 पार्टियां हैं, इसमें आपकी 2 पार्टी हैं, ऑन डिसऑनर ऑफ ए बिल इट इज यूजली नोटेड बाय द नोटरी पब्लिक, नोटिंग इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। ये नोटरी पब्लिक नोटिंग हम आपको भी आगे स्लाइड्स में समझाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। फॉर ए पर्सन हु इज गोइंग टू रिसीव मनी अगेंस्ट द बिल, मैंने आपको अपनी इसमें पहली स्लाइड में ही था ये बिल रिसीवेबल बिल पेबल,
तो सिंपल है, नाम पे ही आपको जाना है, आपको कहीं नहीं जाना। बिल क्या लिखा है, बिल रिसीवेबल्स, मतलब किसी बिल का क्या करना है, रिसीव करना है। रिसीव क्या करेंगे, बिल के लिए हम मनी रिसीव करेंगे। तो इसमें लिखा है फॉर ए पर्सन हु इज गोइंग टू रिसीव मनी अगेंस्ट द बिल। अगर हम किसी बिल के अगेंस्ट हम फ्यूचर में पैसा रिसीव करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बिल रिसीवेबल्स बोलेंगे। अगर हमें किसी बिल के अगेंस्ट पेमेंट करना है तो उसे क्या करेंगे, बिल्स पेएबल बोलेंगे। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल क्या हो गया भाई, सिंपल है, जिससे हमें फ्यूचर में पैसा आएगा वो हमारा असेट कहलाता है, जिसे हमें फ्यूचर में पेमेंट करना है वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है। तो इस बेस पे हमारा बिल रिसीवेबल्स क्या हो गया, हमारा बिल रिसीवेबल असेट हो गया, और बिल पेबल हमारा क्या हो गया, वो लायबिलिटी हो गया। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे, ये हमारा क्या, ये अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं जो हमारा चेक कहलाता है। क्या कहलाता है, तो चलिए चेक, चेक जो हमारा एनआई एक्ट के सेक्शन 6 के अंतर्गत आता है। अब एक चीज सोचिए, चेक का क्या फॉर्मेट होता है, चेक आप सोचिए चेक में होता क्या है अगर देखा जाए। चेक क्या होता है, चेक मान लिया ऐसे बना होता ना, ये यहां पे कस्टमर साइन करता है, तो यहां पे क्या लिखा होता है, पे टू समथिंग, पे टू, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये किसी बैंक का चेक है, ठीक है। किसी मान लिया एसबीआई का चेक है, ये यही चीज होता है। यहाँ पे कस्टमर ने साइन किया, कस्टमर क्या बोलता है, ऑर्डर देता है बैंक को कि भाई इसको पे करो। तो देखा जाए यहां पर कितनी पार्टी इन्वॉल्व है, 1 2 3, ठीक है। तो देखा जाए एक सिंपल चीज है, यहां पर ये किसी को ऑर्डर दे रहा है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में भी क्या होता है, ऑर्डर देते हैं ना। तो देखा जाए चेक जो क्या हो गया, एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ठीक है। ये ध्यान, ये समझ में आ गया कि चेक में क्या है, कस्टमर जो है जिसका अकाउंट है वो बैंक को ऑर्डर देता है कि भाई आप इसको पे करो। तो कस्टमर यहां पर, तो चेक भी क्या हो गया, एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। कितनी पार्टियां यहां पर इन्वॉल्व है, एक, वन पार्टी, टू पार्टी, दूसरी पार्टी, और बैंक जो है तीसरी पार्टी, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें, अब इसके बाद हम लोग जैसे जैसे लाइन लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे क्लियर होती जाएंगी चीजें। ए चेक मस्ट फुलफिल ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसा मैंने आपको बताया कि क्या बोलते हैं, जो चेक होता है वो क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। क्यों होता है वो मैंने आपको रीजन बता दिया। इट मस्ट बी पेबल टू द बियरर और टू ऑर्डर, बट इन आइदर केस इट मस्ट बी पेबल ऑन डिमांड। ये क्या होता है, देखो डीपी मैंने आपको क्या बताया, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है, समथिंग टाइम होता है, 2 मंथ 3 मंथ। बट चेक होता है ये क्या होता है, ये डिमांड पे होता है। चेक किस पे होता है, डिमांड पे होता है। कहने का मतलब जो बिल ऑफ एक्सचेंज किस पे हो गया, डिमांड पे है, ठीक है। द बैंकर नेम देयर इन पेज इट व्हेन इट वेन इट इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब एक सिंपल है, मैंने आपको बताया कि बैंक इसको पेमेंट करेगा, ठीक है। द सिग्नेचर मस्ट टैली विद द स्पेसिमेन ऑफ सिग्नेचर ऑफ द ड्रायर। अब देखो ये जो चेक है, जहां पे कस्टमर ने साइन किया, ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या बताया, कहने का मतलब इसने ड्रॉ किया, इस चीज को बनाया, तो यहां पर ये क्या हो गया, ड्रायर हो गया, जो कस्टमर हो गया, जिसको पे करेंगे वो पे ही हो गया, और ड्राई कौन हो गया, बैंक यहां पर ड्राई हो गया। तो चेक के केस में जो ड्राई होता है वो हमेशा कौन होता है, बैंक होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है एक चीज, ए चेक मस्ट बी डेटेड, कोई भी चेक उसमें डेट होना जरूरी है। ए चेक ड्रॉन विद ए फ्यूचर डेट इज वैलिड बट द सेम इज पेबल
ऑन और आफ्टर सच स्पेसिफिक पीरियड, सिंपल है, कोई भी चेक होता है उसका टाइम पीरियड 3 महीने होता है, ठीक है। अब आते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक में। बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, हमने तो समानताएं पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे उसमें क्या डिफरेंस होता है। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन इंक्लूडिंग बैंक, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज किसी पर्सन पे भी ड्रा किया जा सकता है या फिर किसी बैंक को भी ड्रा किया जा सकता है। बट जो चेक होता है, मैंने आपको बताया चेक के केस में जो ड्राई होता है वो हमेशा कौन होता है, बैंक होता है। बट बिल ऑफ एक्सचेंज केस में ड्राई बैंक भी हो सकता है या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर एक्सेप्टेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है, एक्सेप्टेंस जरूरी है। बट ए चेक डजंट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस, क्यों, क्योंकि अगर चेक जो है, चूंकि ये चेक कौन बनाता है, बैंक बना के देता है ना, तो जब बैंक ने किसी कस्टमर को चेक दे दिया तो इसका मतलब उसने इस चीज को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रखा है कि भाई मैं आपको ये चेकबुक दे रहा हूं, आप कभी भी जब भी इस चेक को किसी को देंगे, जितने अमाउंट का देंगे, अगर आपके अकाउंट में उतना बैलेंस होगा तो आई विल पे, ठीक है, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो आई विल नॉट पे, बट अगर आपके अकाउंट में बैलेंस हुआ तो आई विल पे। तो इसलिए यहां पर चेक के केस में बैंक के एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है, बट बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्राई की एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है। अब द एक्सेप्टर ऑफ ए बिल कहां गए, द एक्सेप्टर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज अलाउड 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द बिल। मीन्स जो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में आपको 3 days ग्रेस पीरियड दिया जाता है, कितने दिन का, 3 दिन का, ठीक है। जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में अपने, तब आपको ये बताएंगे कि इसको कैसे करेंगे। बट ए चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, लेकिन चेक के केस में ऐसा नहीं होता है। चेक के केस में जब भी चेक होगा दिया जाएगा वो डिमांड पे ही पे होगा, जिस दिन चेक प्रेजेंट किया जाएगा उसी दिन उसको पेमेंट करना जरूरी है। ए बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी स्टाम्प, सिंपल है, मैंने आपको बताया कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज किस क्या होगा, उसका स्टाम्प होना जरूरी है। बट चेक के केस में इसकी जरूरत नहीं है। आप सिंपल, आप सभी लोग बैंक में काम करते हैं तो आपने देखा होगा चेक में कोई स्टाम्प की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए हमें उस चीज से भी याद रखना है, ठीक है। नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नेसेसरी, नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो टर्म्स हैं जो हमें हमें इसमें पढ़ना है। एक टर्म है टर्म एंड ड्यू डेट ऑफ ए बिल, ठीक है, ये क्या होता है हमारा, एवरी पर्सन एवरी प्रोमिसरी नोट, सॉरी एवरी प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड, ठीक है। कोई भी चाहे प्रोमिसरी नोट हो या बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर उसमें यह नहीं लिखा है कि वो डिमांड पर पे होगा एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट मैच्योर्स ऑन द डेट इट फॉल्स ड्यू, ठीक है। मान लें से कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, अगर उसमें ये लिखा है कि भाई डिमांड पे इसको पे करना है तो वो दूसरी चीज है, बट अगर डिमांड पे नहीं लिखा है, आपको ये लिखा है कुछ टाइम पीरियड बाद, जैसे मान लिया 2 महीने बाद पे करना है, कितने महीने बाद, 2 महीने बाद, तो जो पीरियड होगा इसी को बोलते हैं टर्म और टेनोर ऑफ द बिल। जितने महीने बाद पे करना है वो क्या कहलाता है उसका, टेनोर ऑफ द बिल या टर्म ऑफ द बिल, ठीक है। द डेट ऑफ मेच्योरिटी इन सच केसेस इज कैलकुलेटेड आफ्टर एडिंग 3 days टू गेस टू डेज ऑफ ग्रेस टू द एक्चुअल पीरियड ऑफ द बिल। ड्यू डेट क्या होती है, ड्यू डेट हमारी हो जाएगी मान लिया 2 महीने का है, तो 2 महीने 2 मंथ प्लस 3 days, ठीक है। बट हमें याद रखना है इस चीज को, ध्यान रखें, जैसे हमारा लेट सपोज ए बिल इज ड्रॉन ऑन 1st मार्च, ठीक है, मान लो कोई बिल है जो पहले 1st मार्च को ये हुआ कि 1 महीने के लिए इसको 1 महीने बाद आप इसका पेमेंट करिएगा, तो अगर इसके ड्यू डेट की बात करें तो सिंपल है, 1 मार्च से 1 महीना, मान लिया 1 मार्च है, ठीक है, 1 मार्च में 1 मंथ जोड़ेंगे क्या आएगा, 1 अप्रैल आएगा। अब मैंने आपको बताया कोई भी बिल होगा उसमें 3 डेज का ग्रेस पीरियड होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4th अप्रैल, ठीक है। अब इफ ड्यू डेट फॉल्स ऑन ए पब्लिक हॉलीडे से 26 जैन, ठीक है, देन इट बिकम्स ड्यू टू ऑन द प्रीवियस वर्क पीरियड। मतलब कि अगर कोई भी जैसे बिल है, ठीक है, 3 डेज ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद, ठीक है, अगर वो मान लिया किसी पब्लिक हॉलीडे के दिन आ रहा है, तो जो उसका मतलब क्या बोलते हैं, जो उसका पेमेंट होगा
होगा वो प्रीवियस वर्किंग डेट होगा, ठीक है। बट अगर पब्लिक हॉलीडे मान लिया सडन कोई हॉलीडे पड़ जाता है तो एक दिन बाद होगा, ठीक है। अब हमने ये हमारा हमने इस टॉपिक में चेक, प्रॉमिसरी नोट और ये बिल ऑफ एक्सचेंज कवर कर लिया है। बट कुछ टर्म है जो एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, जिनका समझ लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। चलिए हम इसमें चलते हैं। नंबर वन हमारा क्या है, होल्डर। देखिए हम यहाँ पर जो भी है, ठीक है, जो भी वर्ड लिखा है हम उसी से उसकी मीनिंग निकालेंगे और उसी से हम लोग उसको ध्यान रखेंगे। अब ऐसे होल्डर मतलब क्या होता है, होल्ड करने वाला। होल्ड करना मतलब जिसके पास कोई चीज है, ठीक है, वो वही होल्डर कहलाएगा। तो ही इज द पर्सन हु इज लीगली इंटाइटल्ड टू रिसीव मनी ऑन ड्यू डेट। होल्डर मतलब कि जैसे मान लिया मेरे मेरे पास कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, मैं इसको होल्ड कर रहा हूं, तो क्या हो गया, मैं होल्डर हो गया यहाँ पर, ठीक है। मैं कोई चेक है मेरे पास होल्ड कर रहा हूं, तो वो होल्डर हो गया। तो होल्डर मतलब क्या है कि जो ड्यू डेट पे जिसको पैसा मिलेगा वही उसका क्या कहलाएगा, होल्डर कहलाएगा, ठीक है। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये ड्यू कोर्स को आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या है, कई बार हम बैंकर जो होते हैं ये ड्यू कोर्स देख के हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, और हमें लगता है कि ड्यू कोर्स क्या है, बहुत बड़ा टर्म है, लेकिन ये कुछ नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एनआई एक्ट जो है कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसमें क्या बोला जाता है कि मान लिया जैसे देखो ए है, मान लिया ठीक है, ए ने बी से कुछ खरीदा, ठीक है, तभी तो ये इसको पेमेंट करेगा। कहने का मतलब ड्यू कोर्स मतलब एक सिंपल चीज होता है कि आपस में लेन देन हुआ हो। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब किसी के सामान का आदान प्रदान हुआ हो, ठीक है, और विद कंसिडरेशन मतलब वो अब ऐसे इसका इसको होल्डर इन ड्यू कोर्स कहने का मतलब क्या हुआ, मान लिया जैसे किसी ने किसी को गिफ्ट दे दिया, ठीक है, मान लिया मैं हूं, मैंने किसी को 1 लाख रुपए का चेक दिया और मैंने बोला मैं आपको गिफ्ट देता हूं। तो देखो इसमें क्या हुआ, अगर मैंने किसी को गिफ्ट दिया तो उसमें क्या हो रहा है, इसमें एक पार्टी ने तो किसी को दी, एक पार्टी ने चेक दिया, लेकिन दूसरी पार्टी ने उसे कुछ दिया नहीं दिया ना, तो इसलिए वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स इसमें दोनों पार्टियों को बेनिफिट होना जरूरी है, ए एंड बी है अगर, तो दोनों का बेनिफिट होगा तभी वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा। बट अगर किसी एक का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, केवल नुकसान हो रहा है, तो उसके उसके लिए क्या होगा, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स केस में ही हम लोग कोर्ट में केस कर सकते हैं, बट अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है तो हम लोग केस नहीं कर सकते, इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है। तो द होल्डर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड होल्डर इन ड्यू कोर्स इफ ही सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन। कौन कौन सा, ही ऑप्टेन द इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, मतलब किसी वैल्यूएबल चीज के लिए उसको मिला हो इंस्ट्रूमेंट, ऐसा नहीं कि उसको गिफ्ट में मिला हो या उसने किसी से चोरी कर लिया हो, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होगा, जब तक कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन नहीं होगा तब तक वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। ही बिकेम होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बिफोर इट्स मेच्योरिटी, ठीक है, वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का उसकी मेच्योरिटी के पहले होल्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर हम मान लिया डेट ऑफ मेच्योरिटी निकल गई है तो वहां पे होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा, ठीक है। ही हैड नो कॉज टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्टेड इन द टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम हु ही डिराइव हिज टाइटल, ठीक है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब तक मान लिया कोई एक पार्टी किसी पार्टी को दे रहा है कुछ, तो उसमें दोनों पार्टियों का बेनिफिट में होना जरूरी है, ऐसा नहीं कोई एक बेनिफिट हो रहा है, अगर कोई एक बेनिफिट हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा, ठीक है। ऑनरिंग ऑफ बिल सिंपल है, ऑनरिंग मतलब क्या होता है, अगर ड्यू डेट पे कोई, व्हेन द ड्राई पेज द अमाउंट बिल ऑन द ड्यू डेट, ड्राई मतलब मैंने बताया था ना जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, अगर वो ड्यू डेट पे उसको पेमेंट कर रहा है तो उसको बोलते हैं ऑनरिंग ऑफ बिल, ठीक है। डिसऑनर अगर किसी ने मना कर दिया, ऑनरिंग मतलब क्या, मैं ऑनर करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जो मैंने एक्सेप्ट किया था उसका मैं पेमेंट कर रहा हूँ ड्यू डेट पे, वो ऑनरिंग ऑफ बिल हो गया। डिसऑनर ऑफ बिल क्या हो गया, सिंपल है, जब अगर जो ड्राई होता है वो अगर अनेबल है बिल पे करने के लिए, उसने पेमेंट देने से मना कर दिया ड्यू डेट पे, तो उस बिल को क्या बोला जाएगा, डिसऑनर्ड, मतलब सामने वाले ने डिसऑनर कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। अब थर्ड अगला टर्म क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब सिंपल है, डिस्काउंटिंग मतलब क्या होता है, आप सिंपल से डिस्काउंट देना, ठीक है,
डिस्काउंट देना है कि डिस्काउंटिंग मतलब क्या हो गया, डिस्काउंट देना है। जैसे हम लोग जाते हैं, अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या हो गया, मान लिया ऐसे ड्यू डेट है 2 मंथ, ठीक है, मान लिया ए और बी के बीच में लेन देन हुआ और बी को जो है 2 महीने बाद पैसा मिलेगा, बी के पास बिल है, ठीक है। अब समस्या क्या आ रही है, बी को आज पैसे की जरूरत पड़ गई, तो अब बी क्या करेगा, बी किसी थर्ड पर्सन के पास गया मान लिया और उससे बोला भाई ऐसा है, ये मेरे पास 2 लाख का बिल है जो है, ए जो है आपको 1 महीने बाद देंगे, ठीक है, लेकिन मुझे पैसे की जरूरत आज है, तो ऐसा करिए आप मुझे आज पैसा दे दीजिए। तो सिंपल है, जो इसमें सी हो, सी होगा तो जिसके पास जाएंगे वो एक यही क्वेश्चन पूछेगा, भाई 2 लाख रुपए आपको 2 महीने बाद मिलेंगे, आप मुझसे 2 लाख रुपए आज मांग रहे हैं, तो इसमें मेरा क्या बेनिफिट होगा। तो वहां पर जो बी होगा वो बोलेगा ऐसा है कि ये 2 लाख रुपए हैं, आप ऐसा करो मुझे 2 लाख की बजाय 1.90 ही दे दो, 1.80 दे दो, बट आप ए से पूरा पैसा ले लेना। तो यहाँ पर क्या हो गया, बिल को क्या हो गया, कुछ डिस्काउंट दे दिया गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो क्या है लिखा है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द बिल द होल्डर मे इंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ हिज बैंकर एंड गेट इमीडिएट कैश फ्रॉम द बैंकर, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ये बैंक के केस में भी हो सकता है या किसी थर्ड पार्टी के केस में भी हो सकता है। इंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है, ट्रांस इंडोर्समेंट। अब मान लिया एबीसी के बीच में बात बन गई, ठीक है, तो बी ने क्या कर दिया, बी ने उसमें लिख दिया भाई पे करो किसको, करो सी को, तो मतलब जो बी है, बी ने किसको इंडोर्स कर दिया, सी को कर दिया। मतलब कि जब कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को बोलता है कि भाई आप इसके होल्डर हो गए, अभी तक इसका बिल का होल्डर मैं था बट अब आपके पास आ गए, अब आप इसके होल्डर हो, तो वहां पर क्या इंडोर्समेंट ऑफ द बिल होता है। इंडोर्स मतलब किसी को, किसी और को ट्रांसफर करना, ठीक है। रिटायरमेंट क्या होता है, व्हेन ए ड्राइस पेज द बिल, ठीक है, बिफोर इट्स मेच्योरिटी डेट। अब देखो रिटायरमेंट मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग रिटायर होते हैं, ठीक है, रिटायर होते हैं, उसी तरह इसको समझ लो, यहाँ पे जो कोई बिल है, ठीक है, मेच्योरिटी डेट पे तो पे करना है, बट अगर ड्राई ने क्या कर दिया, अगर मान लिया कोई ड्राई है, ठीक है, मान लिया ए बी सी के बीच में कितना, ए और बी के बीच में मान लिया 2 महीने की बात हुई थी, बट ए के पास पैसा आ गया आज ही के दिन, 1 महीने पहले आ गया 2 लाख रुपए, तो बी के पास जाएगा बोलेगा ऐसा है आप चाहो तो अभी बिल का पेमेंट ले सकते हो। तो अगर कोई भी ड्राई जो है बिल को बिफोर मेच्योरिटी डेट पे कर दे, उसे क्या बोलते हैं रिटायरमेंट, मतलब उसके बिल को रिटायर कर दिया तो रिटायरमेंट ऑफ बिल हो गया। रिन्यूअल ऑफ बिल एक सिंपल चीज, अगर वो ड्यू डेट पे नहीं कर पा रहा और वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप फ्यूचर में पे, मैं आप फ्यूचर में आपको दे दूंगा, तो मतलब क्या बिल का रिन्यूअल हो गया। अब आता है क्या एकमोडेशन बिल, एकमोडेशन बिल क्या होता है, व्हेन वन एकमोडेशन बिल क्या होता है, व्हेन वन पार्टी एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय अनदर विदाउट एनी कंसिडरेशन। क्या लिखा है, विदाउट एनी कंसिडरेशन मतलब कि फॉर द पर्पज ऑफ म्यूचुअल हेल्प, मतलब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए अगर कोई बिल बनाते हैं, बिल भेजते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं एकमोडेशन बिल बोलते हैं, ठीक है। नोटरी पब्लिक क्या होता है, सिंपल इसमें लिखा है ही इज एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज द पावर एंड फंक्शनिंग रिलेटिंग टू ए प्रोटेस्टिंग ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर डिसऑनर। मतलब अगर कोई बिल है, ठीक है, मान लो डिसऑनर हो गया, तो क्या है गवर्नमेंट एक ऑफिसर को अपॉइंट करती है, नोटरी पब्लिक जिसको बोलते हैं, वो उसके डिसऑनर के बाद उस केस को हैंडल करता है, ठीक है। नोटिंग क्या होता है, सिंपल है, नोटरी पब्लिक से रिलेटेड है, अगर बिल का डिसऑनर हो गया है, ठीक है, क्या हो गया, अगर बिल डिसऑनर हो गया है पहली चीज भाई नोटिंग कब कराएंगे, जब डिसऑनर होगा। दूसरा होल्डर इन ड्यू कोर्स होना चाहिए, मतलब दोनों का बेनिफिट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बस प्रॉमिस किया गया है, ठीक है, अगर दोनों का बेनिफिट हो रहा है, तब उसने अगर पे नहीं किया है तो ये जो जिसने पे नहीं किया है तो दूसरी पार्टी जाके नोटरी के पास जाएगा और बोलेगा भाई इन्होंने मेरा पेमेंट नहीं किया है, तो इसको क्या बोलते हैं नोटिंग कहते हैं, जाके इन्फॉर्म करना। प्रोटेस्ट क्या होता है, व्हेन ए प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन डिसऑनर्ड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट द होल्डर में विद इन ए रीजनेबल पीरियड कॉज सच डिसऑनर टू बी नोटेड एंड सर्टिफाइड बाय नोटरी पब्लिक। मतलब वहां जाके नोट कराए, नोटिंग हो गया, ठीक है। अब जो वहां पर नोटरी पब्लिक है उसने अगर इसको सर्टिफाइड कर दिया तो क्या हो गया, वो प्रोटेस्ट कहलाएगा, ठीक है। नोटिंग चार्जेस सिंपल है,
जब भी नोटरी पब्लिक के पास जाएंगे डिसऑनर का केस लेकर के, तो इसके लिए कुछ चार्ज लगाएगा, वो नोटिंग चार्ज कहलाता है। रिबेट, अब सिंपल है, रिबेट मतलब क्या हो गया, रिबेट होता है ना, रिबेट देना। जैसे मान लिया कोई बिल है, ठीक है, ड्राइव जो है ड्यू डेट के पहले पे करना चाहता, मैंने बताया ना कि ए और बी है, ठीक है, मान लिया जो पेमेंट 2 लाख रुपए है, ये 2 महीने बाद करना था, इसके पास पैसा आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, बी के पास बोला कि भाई जो पैसा मैं आपको 2 महीने बाद देना चाहता हूं, मैं आज आपको दे रहा हूं। तो सिंपल है, बी बोलेगा दे दो मुझे, तो वो ए क्या बोलेगा, जो मैं आपको 2 महीने बाद दे रहा था, अगर मैं आज दे रहा हूं तो आप मुझे कुछ रिबेट दे दीजिए, कुछ आप मुझे छूट दे दीजिए, उसी को बोलते हैं रिबेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यह टॉपिक आज क्लोज होता है, और इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स तथा जो भी है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू।